स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और हम आज दर्शनीय स्थल जो कि हमारे पास में है, गांव के पास में भरखा देवी, वहां जा रहे हैं। और ये हमारे गांव से लगभग 12 किलोमीटर दूर पड़ता है और वाया लाखोड़ा होके जाएंगे। तो चलिए आइए हमारे साथ इस व्लॉग में, आपका सबका स्वागत है। चलो तो चले। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम वहाँ पहुँचने तक आपको हमारे भरखा देवी माता जी की कुछ इतिहास हिस्ट्री आपको बताएंगे। माँ भरखा देवी शक्तिपीठ धाम धरक भिलवाड़ा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित साहड़ा तहसील के भरक पंचायत में माँ भरखा देवी शक्तिपीठ स्थित है। माँ भरखा देवी शक्तिपीठ 500 मीटर ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ है। श्री भरखा देवी शक्तिपीठ पहाड़ी पर बसा एक बहुत ही रमणीय स्थान है। यहाँ हर वर्ष नवरात्र में भजन संध्या का प्रोग्राम रहता है, जिसमें दूर दराज के सभी लोग दर्शन के लिए आते हैं तथा संध्या प्रोग्राम का लुत्फ़ उठाते हैं। पुराने इतिहास के अनुसार माँ भरखा देवी शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। भरखा देवी शक्तिपीठ द्वारा हर रविवार को माँ का दरबार सजाया जाता है। रविवार को मैया की 3 टाइम सेवा होती है, जैसे क्रमशः सुबह, दोपहर, शाम को संपन्न होती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया, माँ के दरबार में यात्रियों की भीड़ दर्शन के लिए आने लगी। पहले केवल 5 से 10 आदमियों मैया के वहाँ ठहर सकते थे, पर आज मैया जी के आशीर्वाद से अभी हाल ही में एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। यात्रियों को ठहरने के लिए बड़ी विश्रामशालाओं का निर्माण किया गया, जिसमें बारिश के समय लगभग 3,000 लोगों को आराम से बैठने की सुविधा है तथा नीचे गाँव में विश्रामशालाओं तथा पीने के पानी की टंकियों का निर्माण स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा करवाया गया। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं भरक माता जी के यहाँ पे और आप देख सकते हैं मंदिर यहाँ से कितना ऊपर है। और यहाँ पे भक्तों का शनिवार है, इसलिए आज आना जाना रहता है शनिवार रविवार। और उस तरफ सीढ़ियाँ है जहाँ पर पहले के लोग, जो मतलब यहाँ पे रोड पक्की नहीं थी तो यहाँ से पैदल जाते थे, मतलब पैदल चढ़ के जाते थे। और ये अभी पक्की सड़क बन चुकी है। और ये हमारे साथ, क्या नाम है आपका? सरवन गुज्जर। ओहो, गुज्जर है, देख लो। और धारो नाम की भैया? सावर गुज्जर। थारो नाम जी? नारायण गुज्जर। तीन ही भाई हो गए? मैं दो भाई। अच्छा, तो दो ही भाई, बढ़िया। तो चलें। प्राचीन मान्यता के अनुसार प्रतापी राजा भरतहरि ने इस शक्तिपीठ पर आकर साधना की थी। और कहा जाता है कि राजा भरतहरि ने गांव भरक गांव के निवासियों तथा मां भरखा देवी शक्तिपीठ के आने वाले यात्री लोगों के शेर के आतंक से मुक्ति दिलाई थी, जो आज भी वो शेर की गुफा है। लोगों ने यह सुना तो मैया जी के दर्शन तथा उस वीर ओजस्वी साधक को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे दूर दराज के लोगों को यहाँ धीरे धीरे आना जाना होने लगा। और राजा भरतहरि ने फिर एकांत के लिए यह स्थान छोड़कर दूर चले गए, जो आज भरतपुर के सरिस्का अभयारण्य में राजा भरतहरि की समाधि है।
श्री भरका देवी शक्तिपीठ द्वारा सन 2002 में मां भरका देवी के आशीर्वाद से इस गौशाला का उद्घाटन किया गया। आज लगभग 2000 से 3000 गायों का पालन पोषण होता है। भरका देवी गौशाला द्वारा गायों का मलमूत्र को एकत्र कर औषधि व जैविक खाद बनाया जाता है तथा उचित रेट पर बिक्री की जाती है। औषध व जैविक खाद के रुपयों को गायों के खाने का प्रबंधन किया जाता है। उनके दान दाताओं द्वारा गौशालाओं में गायों की देखभाल तथा घास का प्रबंधन करवाते हैं और राशि स्वरूप दान भी भेंट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, हम नीचे से यहाँ से ऊपर आए और वहाँ पे गाड़ी को की पार्किंग है और आज है शनिवार रविवार की यहाँ पे पब्लिक आती जाती रहती है और अभी यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। गाड़ियों यहाँ पे लगाकर थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं वहाँ से और वहाँ से चलना पड़ता है, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर माता जी का मंदिर आता है। तो चले चलते हैं। तो अभी हम कुछ भक्तों से पूछताछ करेंगे कि उन्होंने यहाँ पे कब आए और कितने दूर से आए। तो आप कौन से गांव से अभी सर? पिलवाड़ा से, राजोला। और है दूड़ियों? मैं राजोला खेड़ा से आया हूँ। राजोला खेड़ा। हाँ अच्छा, यहाँ पे कितनी बार आ चुके हैं? तीन चार बार आ चुके हैं। दो तीन बार आया। अच्छा, तो आपको घूम के कैसे लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप अलग अलग गांव से ऐसा लग रहा, तो आपके आजू बाजू में कौन सी सिटी आता, तहसील वगैरह? पूरे पंचायत। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ आपको मतलब किसने पहली टाइम बताया कि यहाँ पे माता जी का मंदिर है? दोस्तों के साथ में यही होता है। अच्छा चलो ठीक है, तो हम भी अब दर्शन करने चलते हैं ऊपर। तो चलते हैं अभी, देखो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। आओ। हाँ, अरे वो सामान भूल गया था नीचे। भैया सामान भूल चुके हैं अपना, तो लेने जा रहे हैं। दर्शन के चक्कर में सामान ही नीचे भूल चुके। ये थक गया। चढ़ते में ही पैर दुखने लग गए मेरे तो। हाँ बेचारा था गयो। तो आप हमें आप देख सकते हो कि आजू बाजू में यहाँ पे कितनी पर्वतीय मालाएं हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। और मेरे यहाँ साथ जो यहाँ दिखा रहा हूँ वो भरक गांव है और जो हम वहाँ जो आए थे वो रास्ता उधर है। और आप यहाँ से देख सकते हो कि ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ भी दिख रही है जिसका अभी फ़िलहाल कोई प्रयोग नहीं करता है। और वहाँ से सीधा नीचे से है ऊपर तक पक्की सड़क बनी हुई है जहाँ से थोड़ी नीचे यहाँ तक गाड़ी पार्किंग के लिए गाड़ी ऊपर तक ला सकते हैं। और मेरे वहाँ सामने आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक गौशाला है, थोड़ी देर में वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी बात करने की और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे पूरा जंगल है और यहाँ पे बहुत सारे जंगल है, मतलब जंगल का पर्वत है मेरे राइट साइड में। और जो हम आए थे वो यहाँ से कैमरे के अंदर तो दिखाई नहीं देगा, पर यहाँ से जो बड़ी टंकी है पानी की वहाँ हमारा गांव है। और यहाँ पे लगभग अगर यहाँ से अगर शुरू करें तो वहाँ तक लगभग कम से कम 16 से 15 गांव दिखाई देते हैं। और ये मेरे ठीक पीछे भरका देवी का मंदिर है। और कभी भी आने का, किधर घूमने का मन है और किधर जाने का मन है तो यहाँ पहले विजिट करें। ये लाखोड़ा के पास
वरक गांव में स्थित पहाड़ पर स्थित मंदिर है। तो फाइनली हम नीचे आ चुके हैं और वहाँ से अगर नीचे जाए तो गुफा है। अभी टाइम बहुत हो चुका है तो अभी हम वो नहीं देखेंगे, अभी अगले टाइम जब आएंगे तब देखेंगे। और हम नीचे आए हैं तो अभी हम आए थे तब सूरज वहाँ थे, अभी गायब हो चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा बैठ के बात करते हैं। मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2017-18। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी पसंद आया हुआ तो लाइक कर दीजिए, शेयर तो कर ही दीजिए वाह, ठीक है। और बस निशानी प्यार बनाए रखो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय।